नूरपुर के जसूर में एनडीआरएफ की 14वीं वाहिनी ने लोगों को जागरूक करने के लिए मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा 14वीं वाहिनी मुख्यालय से शुरू होकर जसूर बाजार नूरपुर चौगान से होते हुए मुख्यालय पर ही समाप्त हुई। रैली में 14वीं वाहिनी के जवानों द्वारा मोटरसाइकिलों पर तिरंगा लहराकर और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाकर लोगों को देश के प्रति जागरूक किया गया। इस रैली को 14वीं वाहिनी कमांडर बलजिंदर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते हमने आज एक तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। जैसे आपको सबको पता है कि 15 अगस्त का त्यौहार आ रहा है, ये हमारा नेशनल त्यौहार है और जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे पीएम साहब ने जो आह्वान किया है लोगों में एक नेशनल भावना को जागृत करने के लिए कि हमने एक उपराला किया है, हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम इस झंडे का, इस तिरंगे का सम्मान करते हैं और उनके अंदर ये जागरूकता पैदा करनी है कि इस झंडा हमारे लिए सबसे बड़ा झंडा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये हमारी आन बान और शान है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है और 13 से 15 तक जो हर घर तिरंगा जो एक अभियान छेड़ा है उसकी सफलता के लिए हमने ये जागरूकता अभियान चलाया है। ये पूरा जसूर मार्केट और नूरपुर मार्केट में ये हमारी तिरंगा यात्रा जाएगी और इससे हम संदेश देना चाहेंगे, एक तो नेशनल इंटीग्रेशन का और हमने एक प्रण लेना है कि हम अपने देश को दुनिया का सबसे बढ़िया देश और सबसे ज्यादा ताकतवर देश बनाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।